हे गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का काम क्या होता है बैंक में, मतलब उन्हें क्या करना होता है आफ्टर ज्वाइनिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग आपने से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के वर्कलोड, उनके काम के बारे में एक डिस्कशन किया जाए, एक वीडियो बनाया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं आरआरबी क्लर्क के बारे में। आरआरबी क्लर्क में दोस्तों आपके पास दो पोजीशंस होती हैं जिसपे आपको काम करना होता है। एक तो होता है काउंटर क्लर्क, दूसरा होता है कैशियर। मान लीजिए आपने न्यू ज्वाइनी है तो आपको जो सबसे पहला काम है, आपको जो पहले असाइन किया जाता है, काउंटर क्लर्क ही बनाया जाता है, आपको हेड कैशियर तुरंत नहीं बना दिया जाता है। तो काउंटर क्लर्क का देखिए काम ये होता है कि सबसे पहले किसी को अगर पासबुक एंट्री करानी है तो पसंद आपके पास आएगा, ठीक है, और किसी को अगर पैसे निकालने हैं तो वो भी सबसे पहले आपके पास आएगा। ऐसा नहीं है कि पासबुक एंट्री और कोई नहीं कर सकता है, बट बेसिकली वो काम मतलब काउंटर क्लर्क को ही करना होता है। और किसी को अगर पैसे निकालने आना है वो सबसे पहले आपके पास आएगा, आपको एक विड्रॉल स्लिप या चेकबुक देगा, आपको उस चेकबुक या विड्रॉल स्लिप को कंप्यूटर पे उसकी एंट्री करनी होगी। एक आपको नंबर मिलेगा सिस्टम से, वो नंबर आपको उस पर डालना होगा, वो आप ऑफिसर को देंगे, ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा, फिर वो कैशियर के पास जाएगा, कैशियर उसका पेमेंट करेगा। जनरली जो ग्रामीण बैंक है वहां पे सिंगल विंडो नहीं चलता है, कुछ ब्रांचेस में चलता है बट जनरली सिंगल विंडो नहीं चलता है, ये तीन सिस्टम चलते हैं, क्लर्क पोस्ट करेगा, ऑफिसर वेरीफाई करेगा, कैशियर पेमेंट करेगा, ये हमारे यहाँ जनरली चलता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो तीसरा काम है अकाउंट ओपनिंग है, आपको अकाउंट ओपन करने आपके पास अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आएंगे जिसको ऑफिसर आपको देगा। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको अकाउंट ओपन करना है, फिर आपको ऑफिसर को देना है, ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा। ठीक है, इससे अकाउंट ओपनिंग हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला काम है वो है जैसे ट्रांसफर वाउचर्स आते हैं, नेफ्ट आरटीजीएस है, वो भी आपको ही करना है। नेफ्ट आरटीजीएस आप करेंगे फिर उसे ऑफिसर वेरीफाई करेगा, मतलब आप जो भी काम करेंगे उसको उसके लिए एक ऑफिसर होगा जो उसको वेरीफाई करेगा, तभी कोई काम होगा। बैंक में कोई भी काम है उसके लिए मिनिमम दो लोग चाहिए, एक करेगा काम, दूसरा उसको वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो क्लरिकल एक काम को सिस्टम पे डालेगा, ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हेड कैशियर की। आप ब्रांच में हेड कैशियर बन सकते हैं साल दो साल बाद, मतलब ऐसा होता है जो सीनियर होता है वो कैश पे बैठता है, जो जूनियर होता है वो काउंटर क्लर्क होता है। तो जनरली ऐसा होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है बट ऐसा जनरली होता है। ठीक है, तो अगर आप सीनियर हैं तो आपको कैश पे बैठने को मिलेगा, आप पैसे दे सकते हैं। तो कैशियर का काम देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ जनरली स्टाफ कम है तो ऐसा नहीं होता है कि एक पेमेंट लेने के लिए अलग कैशियर और रिसिप्ट लेने के लिए अलग, क्योंकि ग्रामीण बैंक में आपको पता है स्टाफ कम होता है, तो हमारे पास एक ही कैशियर है तो वो पेमेंट लेता है, वो ही रिसिप्ट भी पेमेंट देता है और रिसिप्ट लेता है। तो थोड़ा बर्डन ज्यादा हो जाता है क्योंकि जब भीड़ ज्यादा होती है तो आप ही को पैसे लेने और आप ही को पैसे जमा भी करने हैं, तो थोड़ा सा वर्कलोड आपके पास ज्यादा हो जाता है और फिर आपको शाम को कैश मिलाना ऑब्वियसली। ठीक है, तो थोड़ा सा काम आप कहें तो हल्का सा रिस्की है बट हाँ भीड़ है, आपको मैनेज करना है। और चाहे तो कुछ ब्रांचेस में ऐसा होता है कि जो कैशियर होता है वह सिंगल विंडो भी ऑपरेट कर सकता है, मतलब 20,000 तक का पेमेंट वो अपने आप ही कर सकता है, खुद ही सिस्टम पे पोस्ट करके वेरीफाई करके दे सकता है। बट जनरली ग्रामीण बैंक में ऐसा नहीं होता जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट काम है जो हेड कैशियर को करना होता है वो किसी जो कस्टमर है उसको चेकबुक देना और एटीएम देना होता है, क्योंकि जो काउंटर क्लर्क होता है उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, अकाउंट ओपन करना है, पोस्टिंग करनी है, पासबुक चढ़ानी है, बहुत सारे काम होते हैं। तो हेड कैशियर जनरली ऐसा हेड कैशियर के पासवर्ड में पड़ा होता है चेकबुक और एटीएम, वो चेकबुक और एटीएम जो कस्टमर होता है उसको दे देता है जिसको भी जरूरत होती है। इसके अलावा हेड कैशियर हो चाहे जो काउंटर क्लर्क हो उसको जो क्लरिकल काम होते हैं रोजमर्रा के वो सारे तो करने ही पड़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑफिसर की। जो पीओ होता है वो ऑफिसर स्केल 1 होता है, पीओ इसलिए क्योंकि उसका प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल के लिए। ठीक है, प्रोबेशनरी ऑफिसर तो वो होता है ऑफिसर स्केल 1। उसको जो सबसे पहले काम मिलता है वो होता है कैंसिलेशन का। कैंसिलेशन से मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो काउंटर क्लर्क है वो कॉपी को पोस्ट करेगा कंप्यूटर से देख के, जो पीओ है यानी स्केल 1 ऑफिसर वो उसको वेरीफाई करेगा। मतलब उसने मान लीजिए कोई पर्सन आया, वो 10,000 रुपए निकालने आया, ठीक है, तो काउंटर क्लर्क ने 10,000 रुपए चढ़ा दिए सिस्टम पे और उसकी जो उसकी स्लिप है उस पर एक नंबर दे दिया, वो नंबर जो ऑफिसर है वो उसको कंप्यूटर पे डालेगा तो दिखाएगा ये पर्सन इतने रुपए निकाल रहा है, और ऑफिसर को उसके साइन वेरीफाई करने है, वो इंसान को वेरीफाई करना है कि वही पैसा निकालने है, ये काम ऑफिसर का है। तो इसी काम को कैंसिलेशन कहते हैं, ये काम करना होता है पीओ को। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा काम है पीओ को करना होता है वो डिपॉजिट बैंक का बढ़ाना और बैंक का एडवांस बढ़ाना यानी कि लोन। ठीक है, तो आपको ये देखना होता है कि कौन एफडी करा सकता है, आरडी करा सकता है, अच्छे कस्टमर्स लाने हैं, कैसे आपके पास अच्छे कस्टमर्स आ सकते हैं, आप बैंक में डिपॉजिट बढ़ा सकते हैं, बैंक में एडवांस बढ़ा सकते हैं, ये सारे काम आपको देखने हैं। और जो आपके ब्रांच मैनेजर हैं वो आपको हेल्प करेंगे सारे काम करने में। ठीक है, आपको करना ही है, जैसे लोन है तो फिर आपको जाना है फील्ड पे, देखना है कि कोई जिसको भी आप लोन कर रहे हैं कि हाँ वो
बंदा जेन्यून है कि नहीं है, ठीक है, वो किसी लैंड पे अगर लोन ले रहा है तो लैंड उस जगह पे है कि नहीं, ये सारा काम ऑफिसर देखता है, मतलब पीओ देखता है जल्दी, ठीक है, और मैनेजर उनको गाइड करते हैं कि कैसे काम करना है। और इसके बाद जो ऑफिसर के काम है, जैसे फोन कॉल्स आते हैं रीजनल ऑफिस से, ठीक है, उन सबको आंसर करना, जो भी छोटे मोटे काम है आपको करना होता है, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपको मैनेजर लगातार हेल्प करते रहते हैं। अगर आप पीओ ऑफिसर स्केल 1 है तो आप ये मानिए कि आपका प्रोबेशन पीरियड के खत्म होने के बाद 1 से 2 साल में आपको ब्रांच मैनेजर बनाया जा सकता है, क्योंकि जो ग्रामीण बैंक है वहां पे इतनी बड़ी ब्रांचेस नहीं है, ठीक है, छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, तो अधिकतर ब्रांचेस में स्केल 1 ऑफिसर ही ब्रांच मैनेजर हैं। तो आप ये मानिए ग्रामीण बैंक में आप बहुत जल्दी ब्रांच मैनेजर बन जाएंगे 2 से 3 साल में, जैसे आपका प्रोबेशन खत्म होगा उसके 1 से 2 साल में आपको ब्रांच मैनेजर बनने का मौका जरूर मिल जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।